हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं खुशरुति जो लेकर आती है आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज, बिकॉज मेरा मानना है एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट कि आप अपनी स्किन, अपने हेयर की प्रॉब्लम्स को नॉर्मली रिपेयर आउट कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। द थिंग इज, आपको समझना चाहिए कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट इफेक्टिवली काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा। वो सब जानने के लिए इस चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और एग्जैक्टली अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेबी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए वही प्रोडक्ट लीजिए जो आपको एक्चुअल में नीडेड है। यहां पर मैं छोटी छोटी ऐसे टिप्स या आप कह सकते हैं ऐसे तरीके बताती हूं जो एक्चुअल में आपका जो स्किन केयर होता है या हेयर केयर होता है उसको एक बूस्टअप दे देता है। एक्चुअल से मेरा मतलब है सही तरीका किसी भी चीज को यूज करने का, कब, कैसे और या फिर वो प्रोडक्ट क्यों काम करता है, किस लिए काम कर रहा है, किसके लिए काम करेगा और किसके लिए नहीं करेगा, किसे लेना चाहिए, किसे स्किप करना चाहिए, ये सब आपको जानने को मिलेगा ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा ऑल्सो। मेरा इंस्टा आईडी आपको ड्यूरिंग द वीडियो ऑन स्क्रीन दिख जाएगा। यहां पर मैं जो भी रिव्यूज लेकर आती हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे भी बेस्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी प्रोडक्ट के ऊपर पढ़ लिया कि ये सब है और आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, जी नहीं। आई ऑलवेज ट्राई प्रोडक्ट माई सेल्फ या फिर मेरी फैमिली में से कोई ट्राई आउट करता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं बना होता। तो मैं अपने स्किन टाइप, अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो यूज करती हूँ, रेस्ट जो जिसके अकॉर्डिंग रहता है वो यूज करते हैं, सो दैट हम सब मिलके आपके लिए प्रोडक्ट रिव्यूज ला सके और आप जान सके कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर प्रूव हो सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का प्रोडक्ट रिव्यू जो कि एक डे क्रीम के बारे में है, एक ऐसी क्रीम जिसमें आपको SPF की क्वालिटी भी मिलती है तो आपको अलग से सनस्क्रीन लेने की नीड नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं आज इस पर्टिकुलर ब्रांड के क्रीम के बारे में जो कि है ब्लू लेट। तो बहुत ही कम समय से, मेरा मतलब है 8-9 months और यू कैन से 10 months बिफोर आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर ब्रांड, और ये पहला प्रोडक्ट था जो मैंने इस ब्रांड का लिया और यूज किया। एंड बिलीव मी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत ही जॉयफुल रिजल्ट रहा है मेरा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द पैकेजिंग, दिस कार्डबोर्ड इज टू हार्ड एंड लिटरली इट कैन बी यूज टू स्टोर एनीथिंग, यानी कि आपकी ज्वेलरी या फिर कोई भी ऐसी छोटी आइटम जो इस पर्टिकुलर बॉक्स में आ सकती है यू कैन ईजिली स्टोर। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट्स सो हार्ड एंड इट्स रियली रिलायबल। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, इट्स दैट मच हार्ड। तो इस ब्यूटिफुल पैकेजिंग के ऊपर आपको मिल जाता है इस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट का नेम, जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो वो है ब्लू नेक्टर का शुभ्र डे ब्राइटनिंग एंड रेडियंस इलाधी क्रीम विद SPF 30। तो ये एक ब्राइटनिंग एंड रेडियंस क्रीम है जिसमें आपको SPF 30 की क्वालिटी भी मिलती है। तो इस पर्टिकुलर जो पैकेजिंग में टब आता है उसमें आपको 50 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। लेट मी शो यू द एक्चुअल टब। तो इस तरीके का ब्यूटिफुल सा टब है जो कि लोअर साइड भी इसका गोल्डन ही है, उसके ऊपर ये गोल्डन पेपर लगा हुआ है एंड द कैप इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन। तो ओवरऑल 10 out of 10 फॉर दिस पैकेजिंग, इट लुक्स स्मार्ट, इट लुक्स क्लासी और सेम जो इसका प्रोडक्ट है यानी कि जो हमारी क्रीम है दैट इज ऑल्सो 10 out of 10, बिल्कुल जो क्लेम करती है वैसा रिजल्ट देती है। एज यू कैन सी ये टब ऑलमोस्ट डन है, आई थिंक अब आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ, आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस टब। ये क्रीम ऊपर तक प्रॉपरली फिल्ड होती है। मैं कोई एक पिक यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आप देख पाए कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें क्रीम काफी नीचे होती है टब के, बट ये जब टब मिला था इसमें ये कंप्लीटली ऊपर तक फिल्ड था। आप इसे जैसे ही ओपन करते हैं यू आर गोइंग टू गेट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस ऑफ कार्डमम। जी हाँ, इलायची जिसे कहते हैं, हरी इलायची, छोटी इलायची, वो आपकी मतलब जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना, दैट इज गोइंग टू मेक योर डे। मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर आप भी एक आपको इलायची पसंद है या वो फ्रेग्रेंस पसंद है तो दिस इज टोटली लोडेड विद दैट पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस। तो एक और प्लस पॉइंट जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है वो है दैट फ्रेग्रेंस। तो वो बात। सेकेंड जो इसका टेक्स्चर है, इट इज टोटली लाइट वेट, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है,
और बहुत ही ब्यूटीफुल बेस देती है इफ यू आर अ मेकअप लवर। जी हाँ, आपको अलग से मॉइस्चराइजिंग क्रीम, फिर सनस्क्रीन, ये सब स्टेप्स फॉलो करने की नीड नहीं रह जाती। यू कैन जस्ट गो विद दिस पर्टिकुलर क्रीम और आप उसके बाद अपना मेकअप कर सकते हैं। बहुत ही एक ब्यूटीफुल से फिनिश आपकी स्किन पर देती है, एक स्मूथ टेक्सचर आपकी स्किन पर देती है, जिसके ऊपर आपका जो मेकअप है दैट इज गोइंग टू लुक फ्लॉलेस। जी हाँ, तो ये जैसे कि मैंने बताया ये डे क्रीम है। अगर आप कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट भी यूज करते हैं, ये हमेशा कहा जाता है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, अगर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट कोई भी यूज कर रहे हैं, लाइक आप नायसिनमाइड यूज कर रहे हैं, आप आर्बिटिन यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो ट्राई कीजिए जो आपका मॉइस्चराइजर है उसमें कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो। जी हाँ, वो विदाउट एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, ताकि जो आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो आपको कोई क्रीम के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स होके कोई एलर्जी ना दे दे, या फिर कुछ भी ऐसा ना हो, और वो अपना काम प्रॉपरली कर सके, आपकी जो स्किन है वो कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन से प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट उसे देना है। सो इट्स ऑलवेज गुड एंड ग्रेट टू गो विद मिनिमल प्रोडक्ट्स। आप कोई सीरम यूज कर रहे हैं उसे यूज कर लीजिए, आफ्टर दैट ये क्रीम यूज कर लीजिए, उसके बाद आपको सनस्क्रीन यूज करने की नीड नहीं है। इफ यू वेयर एनी मेकअप तो आप वो कर सकते हैं, यू आर ग्रेट टू गो आउट। तो ये सब रहता है। क्वांटिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें क्वांटिटी आपको 50 ml की मिल जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइस पॉइंट, तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है उस पर आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। लेट मी टेल यू द एक्चुअल प्राइस, जो कि मुझे यहां पर तो मुझे अभी इसका प्राइस नहीं दिख रहा, बट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा वहां पे जाके ऑब्वियसली आपको इसका जो प्राइस होगा वो दिख जाएगा, बट यू कैन गेट ब्यूटीफुल डिस्काउंट ऑन दैट एमआरपी ऑलवेज। जी हाँ, आपको हमेशा एक ब्यूटीफुल सा डिस्काउंट मिलेगा। इस पर्टिकुलर टब में जो क्रीम आपको मिलती है, बिलीव मी दैट लास्ट फॉर एटलीस्ट 3 months। जी हाँ, अगर आप डेली भी इसको यूज कर रहे हैं तो 2-2.5 months तो आराम से चल जाएगी, बट अ सिंगल पर्सन यूज, अगर आपके फैमिली मेंबर्स भी यूज कर रहे हैं तब ऑब्वियसली जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, अदरवाइज मोर देन 2 months ये पर्टिकुलर टब चल जाता है। जी हाँ, बिकॉज अ लिटल गोज अ लॉन्ग वे, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट लेने की नीड नहीं पड़ती है। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर जो क्रीम है इसमें आपको मिलते हैं 19 herbs। जी हाँ, इसमें आपको जो मेन इंग्रेडिएंट, जैसे कि यहाँ पे आपको ये इलायची दिख ही रही होगी, इसके अलावा यहाँ पे 19 हर्ब कोशेंट है जो उन्होंने यूज किया है फॉर योर स्किन। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो 19 हर्ब्स का कलेक्शन है, ये आपको एट द एंड एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट, फ्लॉलेस स्किन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन पे। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स पढ़ देती हूँ, एज यू नो 19 इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना दैट्स अ लॉन्ग टास्क, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें इलादी तेलम मिलता है, आलमंड ऑयल मिलता है, कुमकुम आदि तेलम मिलता है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, क्लोव एक्सट्रैक्ट है, खस ऑयल है, बड़ा नींबू है, धनिया बीज एक्सट्रैक्ट है, लोदरा है, अनंत मोल है, नीम है, हल्दी है, ग्रेप सीड है, बनियान भाग है, ऑलिव ऑयल है, और इसी तरह से और भी बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी स्किन पे एक्सफोलिएशन देते हैं, आपके एक्ने को रिड्यूस करते हैं, एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करते हैं, स्पॉट्स को रिड्यूस करते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स पे काम करते हैं, और सन प्रोटेक्शन तो आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं बिकॉज इट इज हैविंग SPF 30। तो ये एक पर्टिकुलर क्रीम रेडियंस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइन, एंड इन स्पाइट ऑफ शाइन एंड रेडियंस सारी ही चीजों पर काम करती है आपकी स्किन में। तो ये एक कंप्लीट केयर डे क्रीम हो जाती है। इफ एनीवन वांट्स सच ए मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो आपकी पूरी कंप्लीट केयर करे, तो मेक श्योर कि आप इस पर्टिकुलर क्रीम को परचेज करें। इसका जो परचेज लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, यूज करिए एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी एज सून एज पॉसिबल। रिजल्ट्स आपको 15 दिनों के बाद ही देखने को मिलते हैं आपके स्किन पे, बट यस यू कैन सी द ग्लो द रेडियंस ऑन योर स्किन वेरी सून। तो इसी के साथ करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।